हमारे देश को विविधता का देश कहा जाता है, लेकिन फिर भी यह मोतियों की माला में पिरोए गए मोतियों की तरह प्रतीत होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को एकता का सूचक कहा गया है। हमारे देश को एकता के सूत्र में बांधने का श्रेय सबसे ज्यादा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को ही जाता है, जिन्होंने देश को छोटी छोटी रियासतों में बंटने से रोका तथा पूरे देश में विविधता के बावजूद एकता के सूत्र में बांधा। इनके सम्मान देने के उपलक्ष्य में हमारे देश में इनकी मूर्ति, जो विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति है, वो बनवाई गई और उसे द स्टैचू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया। उन्हीं के सम्मान में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक और अच्छी पहल की गई है, यह है एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम। यह प्रोग्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एकता दिवस 31 अक्टूबर 2015 सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर शुरू किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम का लक्ष्य अलग अलग राज्य के लोगों, जो अलग अलग रीति रिवाजों को मानते हैं, उन्हें एक दूसरे के प्रति आकर्षित करना है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य उन सभी लोगों के बीच आपसी समझ को विकसित करना है। इसके अंतर्गत सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को एक साल के लिए युग्मों में बांटा गया, जिसमें वे सभी एक दूसरे राज्य के रीति रिवाजों के कला, भाषा, खान पान, त्योहार आदि के बारे में जानेंगे। अब हम एक युग्म हरियाणा और तेलंगाना राज्य के रीति रिवाजों और भाषा, कला, त्योहार के बारे में जानेंगे। हरियाणा हमारे देश के धनी राष्ट्रों में से एक है, जिसे भगवान के घर के रूप में जाना जाता है। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर भारत का अलग राज्य बना, जो अपनी रीति रिवाजों, पहनावे, मेले, त्योहारों और रहन सहन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सबसे पहले हम सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय मेले के बारे में जानेंगे, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर का मेला है और यह 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच लगता है। यहाँ मुख्यतः हाथ से बनी हुई चीजों का प्रदर्शन होता है तथा अलग अलग राज्य की अलग अलग दुकानें होती हैं, जो विविधता में एकता को दिखाता है। यहाँ एक थीम स्टेट और एक थीम कंट्री चुनी जाती है। आम का मेला, यह मेला जून और जुलाई में युद्वेंद्र पार्क पिंजौर में लगता है। यह आम को पसंद करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी ट्रिप होती है। यह मेला किसानों को उनकी आम को बेचने तथा आम की पैदावार को बढ़ाने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाता है। वैसाखी मेला, यह मेला 13 से 14 अप्रैल को पिंजौर गार्डन में हर साल वैसाखी के उत्सव पर लगाया जाता है। पिंजौर गार्डन में एक और शानदार मेले का आयोजन होता है, जिसे हम पिंजौर हेरिटेज फेयर कहते हैं। यह दिसंबर के महीने में लगाया जाता है। हम जानते हैं कि हमारे राज्य हरियाणा में श्रीमद् भागवत गीता को हिंदुओं द्वारा कितना महत्व दिया जाता है। गीता जयंती को इसी ग्रंथ के जन्म अवसर के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यही नहीं, इसके अलावा भी हरियाणा में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें गुगा नौमी, तीज, कार्तिक रीति रिवाज और सोनवेली प्रमुख हैं। हमेशा से ही प्रसिद्ध तीज, जो श्रावण माह के तीसरे दिन मनाया जाता है, यह त्योहार बच्चों और सभी के नए उत्साह भर देने के लिए होता है। इस दिन बागों में झूले डाले जाते हैं। हरियाणा अपने खान पान के लिए
पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ मुख्य फसल गेहूं और बाजरा है, इसलिए इसे रोटी की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ सब्जियों और बहुत अधिक मात्रा में दूध घी का सेवन होता है। यहाँ की मुख्य डिशेज रबड़ी और बाजरे की खिचड़ी है। यहाँ की मुख्य डिशेज रबड़ी और बाजरे की खिचड़ी है। हरियाणा की कुछ और खाने की प्रमुख चीजें कचरी की सब्जी, मालपुआ, बथुए का रायता, मीठे चावल और चूरमा है। हरियाणा कलाकृति के क्षेत्र में भी अग्रिम स्थान पर है। यहाँ हस्तलिखित विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां पाई जाती हैं। यहाँ की शॉल पूरे भारत में अपने फुलकारी स्टाइल के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा में औरतों को रंग बिरंगे कपड़े पहनने का शौक होता है, जिसमें दामन कुर्ती और चुंदरी शामिल होती है। यहाँ के लोगों द्वारा धोती कुर्ता पहना जाता है और सिर पर एक पगड़ी होती है। यह सब सिर्फ अभी तो सिर्फ गांव में ही देखा जाता है। हरियाणा में नृत्य की भी अनेक विधाएं पाई जाती हैं, जिसमें धमाल डांस जो पंजाब के भांगड़ा डांस से काफी मिलता जुलता है, खोडिया डांस, सांग डांस, घूमर डांस, रासलीला, झूमर, लूर डांस भी हरियाणा के नृत्य शैलियों में शामिल हैं, जो अलग अलग अवसरों पर किए जाते हैं। हरियाणा के बहुत सारे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, जैसे सारंगी, चिमटा, ढोलक, मंजीरा, बांसुरी, थाली, घुंघरू इत्यादि। हरियाणा के प्रमुख स्थलों में बहुत सारे स्थान शामिल हैं, जिनमें से कुछ मैं आपको बताना चाहती हूँ। पंचकुला, पिंजौर गार्डन, रायपुर रानी, कैक्टस गार्डन, मोहाली स्टेडियम, भीमा देवी मंदिर, अगोहा आदि स्थान शामिल हैं। हरियाणा की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है और यहाँ आम बोलचाल में हरियाणवी का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय फूल कमल है और राष्ट्रीय पक्षी काला तीतर है। राष्ट्रीय पशु नीलगाय हैं। अब हम हरियाणा के युगम राज्य तेलंगाना के रीति रिवाजों, भाषा, खान पान, कला संस्कृति की विविधताओं के बारे में जानेंगे। तेलंगाना हमारे देश के 29वें राज्य के रूप में 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग राज्य बना। अब यह हमारे देश का 28वां राज्य है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को अब केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। तेलंगाना शब्द त्रिलिंगा शब्द से निकला है। तेलंगाना में भी बहुत सारी प्राचीन कला विकसित हुई। गोलकोंडा स्टाइल कला के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है, जो 16वीं सदी में विकसित हुआ। यह कला विदेशी तरीकों का प्रयोग करवाती है। हैदराबाद स्टाइल एक और प्रसिद्ध कला के बारे में बताता है, जो 17वीं सदी में निजामी शासकों द्वारा विकसित हुई। ढोकरा यह भी कला की एक शैली है, जिसमें निर्माताओं के द्वारा भ्रास का इस्तेमाल भगवान और जानवरों की मूर्ति बनाने के लिए किया जाता था। बिडरी आर्ट जो तेलंगाना में विकसित हुई और इसका इस्तेमाल डिब्बे, ज्वेलरी, बटन
आदि बनाने में प्रयोग किया गया। तेलंगाना की राष्ट्रीय भाषा तेलुगु है, जिसे वहां के 77% लोगों के द्वारा बोला जाता है। 12% लोग उर्दू बोलते हैं और 11% लोग हैदराबादी का प्रयोग करते हैं। अब हम वहां के पहनावे के बारे में बात करेंगे। तेलंगाना में औरतों के धोती और चुनरी पहनना पसंद होता है। वहाँ की जो फेमस साड़ी होती है वो सिल्क की और इकता साड़ी होती है। वहाँ की औरतें लहंगा वही पहनना भी पसंद करती हैं। यहाँ के लोग भी हरियाणा की तरह धोती पहनना पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें पहनने का तरीका अलग होता है और इसे पांचा कहा जाता है। तेलंगाना के खान पान में बाजरा और ज्वार की अधिकता होती है। यहाँ के कुछ मुख्य डिशेज बिरयानी, समोसा, मिर्ची का सेलन आदि हैं। तेलंगाना में भी अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। सबसे प्रसिद्ध त्योहार है सामक्खा, सारा लखमा, जठारा। यह त्योहार भारत के कुंभ मेले के बाद दूसरा बड़ा त्योहार है। यह हर 2 साल में आयोजित होता है, जो एक माँ और उसकी बेटी के शासक के प्रति लड़ाई को दर्शाता है। भातुकम्मा फेस्टिवल, यह त्योहार सितंबर और अक्टूबर में हिंदू महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। इस त्योहार में महिलाएं एकत्रित होकर खुले स्थान पर जाती हैं तथा भातुकम्मा को बीच में रखकर उसके चारों ओर नाच गाना करती हैं। आखिरी दिन वे सभी उन्हें अपने सिर पर रखकर चलती हैं। यह मान्यता है कि फूलों को पानी में शुद्ध प्रभाव होता है। यहाँ बोनेलो त्योहार भी बहुत महत्व दिया जाता है। यह त्योहार महाकाली की पूजा से शुरू होता है और उनके समक्ष भोजन प्रस्तुत किया जाता है। पेरिनिवी थंडावर्म फेस्टिवल, इस शब्द से आश्रय युद्धों के नृत्य से है, जो वहां के लोगों द्वारा भगवान रुद्र के आगे किया जाता है। यह प्रथा 11वीं सदी से चली आ रही है और यह एक प्रमुख पुरुष नृत्य है। अब हम तेलंगाना के प्रमुख स्थानों के बारे में जानेंगे, जिसमें चिलकूर बालाजी मंदिर, बोरियो, फरहाबाद, आलमपुर, लकारम लेक, करीमनगर, राजीव डियर फोर्ट, वारंगत, थाउजेंड पिलर टेंपल, चार मीनार आदि शामिल हैं। तेलंगाना का राष्ट्रीय पक्षी इंडियन रोलर है और राष्ट्रीय पशु चीतल है। राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में झंड को मान्यता मिली हुई है और राष्ट्रीय फ्लावर सीना एरिक्यूलेट है। यह हमारा भारत है, जहां हम सभी लोग एक साथ रहते हैं। भले ही हमारे रीति रिवाज, भाषा अलग अलग है, लेकिन हम सबके दिल एक साथ हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत। जय हिंद, जय भारत। एक बने, श्रेष्ठ बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
गजब। Good morning everyone, my name is Shreya and I am a student of BA Mass Communication first year of Government PG College Ambala Kent and today I am here to present my presentation on Haryana and Telangana. Our first is, as we all know that Haryana and Telangana have been paired up by the Ek Bharat Shresth Bharat Club, and the first state is Haryana, and we all know that Haryana is a diverse variety, has a diverse variety of culture and also is known for its food. Haryana is one of the 28 states in India. And it was formed on 1st November 1966. Chandigarh is the state capital of Haryana, and Haryana has less than 1.4% of India's land area. Administration of Haryana. Haryana is divided into 6 revenue divisions, 5 police ranges and 3 police commissionerates. Law and order. Haryana has 3 police commissionerates that are Faridabad, Gurgaon and Panchkula, and 5 police ranges that are Ambala, Hisar, Karnal, Rewari and Rohtak. It has Lok Sabha constituencies that are Ambala, Bhiwani, Faridabad, Gurgaon, Hisar, Karnal, Kurukshetra, Rohtak, Sirsa and Sonipat. Haryana is a landlocked state in northern India and has 4% of forest in its land area. Karoha Peak is the largest peak of Haryana, which is situated in Shivalik Hills near the Mondi Hills in Panchkula district of Haryana. Haryana has 4 main geographical features that are the Yamuna Ghaggar Plain, which is also known as Delhi Doab and is situated in northern Punjab. The next is the Lower Shivalik Hills, which is situated in the foothills of Himalaya, the Bhaggar Tract, which is a semi-desert dry area, which is situated in the southwest of Haryana, and the Aravalli Range, which is the northernmost low, which is situated in the south. The climate in Haryana remains very hot in summer up to 45 degrees Celsius and mild in winter. The hottest months of summer in Haryana are May and June, and the coldest are the December and January. About 29% of rainfall is received during the months from July to September, and remaining rainfall is received from December to February. Forest also covers of 3.59% of area in Haryana, and there are different types of grasses and trees found in this forest that are mulberry, eucalyptus, pine, kikar, shesham and babool. Also there are some of the fauna found here, which are black buck, nilgai, panther, fox, mongoose, jackal and wild dog. Haryana has 2 national parks, 8 wildlife sanctuaries, 2 wildlife conservation areas, 4 animal and bird breeding centers, 1 deer park and 3 zoos, which are all managed by the Haryana Forest Department of the Government of Haryana. And the state mammal of Haryana is black buck, state bird is black Franklin, state tree is peepal and state flower is lotus.
Now we come to the culture of Haryana, folk theatre and dances. Folk music and dances of Haryana are based on satisfying culture of needs, primarily agrarian and martial natures of Haryanvi tribes. The Sang and Ragani are the forms of theatres which are popularized by the Lakhmi Chand as the picture shown in the presentation. Different types of songs and dances on different festivals are Gogaji, Gugga, Holi, Phag, Sawan, Tej. These are the different festivals of Haryana. And also some of the songs which are being played are Ragini, Nagina dance, Dhamal dance, Ghoomar, Jhoomar, Ragini, etc. Folk music in Haryana is based on day-to-day themes and injecting earthly human elements feels of the song. It has mainly two forms, which are the classical folk song and next is the Desi Haryanvi song. Classical Haryanvi music is based on Indian classical music, which are based on the bravery of Allan Udal, Jamal and Patta of Maharana Uday Singh. Brahmas also worship and festival seasonal songs as Tej and Holi and Phag songs of Falgun month near Holi. Desi Haryanvi folk music. It is a type of Haryanvi music which is based on Rag Bhairavi, Rag Bhairav, Rag Kafi, Rag Jai Jaivanti, Rag Jinjhoti and Rag Pahadi. And also these are used for celebrating community bandhoms to sing seasonal songs. Next is the cuisine of Haryana. As we all know that Haryana is known as the land of rotis and Haryana has a diverse culture of cuisine. The main cuisine of Haryana is bajre ki roti, sarso ka saag, chhach and different kind of rotis can be seen in the cuisine of Haryana. Next is the traditional dress of Haryana, which is for men, it is dhoti kurta, white dhoti kurta with a turban, and women usually wear skirts and also chudidar. Next up is the state which is being paired up with Haryana is Telangana. Telangana is a state situated in the south central stretch of Indian Peninsula on the High Deccan Plateau. Telangana is the 12th largest state and the 12th most populated state of India. It was formed on 2nd June 2014 and Hyderabad is the state capital of Telangana. Telangana was earlier part of Andhra Pradesh, but on 2nd June 2014 it got separated from Andhra Pradesh. And the geographical area of Telangana is 112,077 kilometers square with 35 million of residents. The state of Telangana is divided into 33 districts and the two new districts were formed on 17 February 2019, that were Mulugu and Narayanpet. These districts are divided into 70 revenue divisions, which are further divided into 584 mandals. It has a total of 12 cities and Hyderabad is the biggest and the state capital of the state Telangana. Telangana is governed by parliamentary system of representative democracy. It has three branches. The first is the executive authority, the legislature, and the judiciary. Geography of Telangana. Telangana is situated on the Deccan Plateau and which covers a area of 112,077 square kilometer. And it has drained two major rivers, that are the Godavari River and the Krishna River. And several minor rivers are also in the state of Telangana, that is the Bheem, the Manair, the Manjira and the Muzi.
The annual rainfall is between 900 to 1500 millimeter in the northern Telangana and 700 to 900 millimeter in the southern Telangana. Telangana has a semi-arid area and has a very hot and dry climate, and the summers start in March and the peak in May with average temperature of 42 degrees Celsius. The monsoon and the rainfall arrives in June and last until September. There are different national parks and wildlife sanctuaries in Telangana. The national parks in Telangana are Kesu Brahmada Reddy National Park in Hyderabad district of Telangana, Mahavir Harina Vanasthali National Park and Murugavani National Park in Ganga Reddy district of Telangana. There are different wildlife sanctuaries also, and sacred groves are small areas of forest which are being preserved by the local people of the Telangana. The state mammal of Telangana is spotted deer, state bird is Indian roller, state tree is Prosopis cinerea, and state flower is Senna auriculata. Culture of Telangana. Culture of Telangana is a combination of cultural customs and Persian traditions which are embedded under the rule of Mughals and also the Kutub Shahis and Nizams. Telangana culture is a combination of cultural customs and Persian traditions, which is by the rule of Mughals, Kutub Shahis and Nizams, with prominent and predominantly South Indian traditions and customs. Telangana also has different monuments, which are Charminar, Golconda Fort, Kutub Shahi tombs, Shomahala Palace, Falaknuma Palace, Birla Mandir, Nagarjun Sagar, Bangar Fort, Wrangel Fort, Khamman Fort and many more in the Hyderabad district of Telangana. The state has different waterfalls in it, which are the Kuntala waterfalls located in Kuntala in Adilabad district, the Bugatha waterfall, the Savatulla Gundam waterfalls, the Govari Gundala waterfalls in the near Manthali in Padappally district. Next come the dance forms. There are different dance forms which are being practiced in the Telangana district. The main dance form of the Telangana is the Perini Shiva Thandavam, in which the men perform Shiv Tandav in different forms. The music of Telangana. The music of Telangana has a diverse version of Carnatic music to folk music. Kancherela Gopanna is also known as Bhakta Rama Dasu, is the 17th he was a devotee of Rama and the composer of Carnatic music. He was one of the most famous Vidyakaras in the Telugu language. Telugu cinema is also known as Tollywood, which is also a part of Indian cinema producing Telugu language films. And it is centered in the Hyderabad district of Telangana. The famous tourist attraction in Hyderabad is the Ramoji Film City, in which it has more than 500 to 1000 studios for filming scenes of the films. The dress of Telangana. The dress of Telangana is almost the same of the dress of Haryana, in which the dress of women and is the same, in which they wear silk sarees and men wear salwar kameez. And the cuisine of Telangana is typically spicy, and ingredients such as tamarind, sesame seeds, red chilies and asafoetida are widely used in the variety of vegetarian and non-vegetarian dishes. Hyderabad is the shared capital of Telangana, and it has widely most it is it is
Hyderabad is popular for its biryanis and Karachi biscuits. Thank you. हो गया सर।